नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं पता है आपको? लेसन सिक्स, छठी, सिक्स्थ पार्ट। देखिए, ऑनलाइन में हमने सिक्स लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? बहुत खुशी की बात है। सो इफ यू आर सिटिंग आइडल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, वी कैन नॉट कंप्लीट एनी लेसन्स, यू नो। सो फार वी हैव कंप्लीटेड सिक्स लेसन्स। वाह, वेरी ग्रेट ग्रेट यू पीपल, ग्रेट यू चिल्ड्रन, यू लवेबल चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो ग्रेट वी ऑल्सो, है ना? ओके बच्चों, ये हमारा छठी पार्ट है, और छठी पार्ट में हम उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड, ओके। और उससे पहले हम एक क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कौन से लेसन का? फिफ्थ लेसन का, एफिल टावर का क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन आंसर्स को, प्रश्नोत्तर को अपने नोटबुक में बहुत सुंदर 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 अक्षरों में लिखना है, ठीक है? तारीख लगा लीजिए, एफिल टावर, और आपके किताब में जो मीनिंग्स दिया हुआ उसे पहले फर्स्ट रोमन लेटर में उसे लिख के, फिर डबल लाइन डाल के, उसके बाद प्रश्नोत्तर डाल के, जो हम प्रश्नोत्तर अभी देखने जा रहे हैं उसे आप लिख लीजिए, ठीक है? हो सके तो मैं आपको व्हाट्सएप में ये स्लाइड भेज देती हूँ, क्वेश्चन आंसर का स्लाइड भेज देती हूँ, ठीक है बच्चों? लिखोगे ना, सुंदर अक्षरों में लिखोगे ना? यू राइट नीटली आफ्टर ईच आंसर हाउ टू मार्क वन लाइन, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छे लिखते हैं। मेरा ना जरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो गया, पता है आपको? माई हैंडराइटिंग हैज बिकम सो पुअर नाउडेज। यस्टरडे आई वॉज ट्राइंग टू राइट, बट इट्स आई वॉज सो सरप्राइज टू सी माई हैंडराइटिंग, इट हैज बिकम सो पुअर। माइन इज एज, बट यू आर ऑल द सो स्मॉल 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 किड्स, है ना? यू शुड हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे। You have a lot, lot to write, but I don't have anything to write. Now and all, we are just typing, typing, typing. That's all, है ना? आपके लिए लिखने के लिए बहुत सारे हैं। Do the writing practice, or else your handwriting also will be spoiled. Okay? अच्छा बच्चों, लिखना रोज एक पेज हैंडराइटिंग लिख लीजिए। तमिल, इंग्लिश और हिंदी का एक पेज हैंडराइटिंग लिख लीजिए। एक पेज की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 10 10 लाइंस, ओके? बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। ओके, चलते हैं। उससे पहले हम एफिल टावर का क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तैयार हो जाइए। देखिए, एफिल टावर लेसन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और फ्रांस देश की कौन सी एक इमारत इनकी पहचान है? विच आर द मॉन्यूमेंट्स, विच आर द टवर्स, और विच आर द थिंग विच इज फेमस इन इंडिया एंड फ्रांस। दैट इज इफ इफ आई से ताजमहल, दैट इज फ्रॉम इंडिया। लाइकवाइज, वॉट आर देयर फेमस इन भारत एंड फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर भारत और फ्रांस देश की पहचान ताजमहल और एफिल टावर है। इफ आई से एफिल टावर, दैट वुड बी फ्रॉम फ्रांस। इफ आई से ताजमहल, दैट वुड बी फ्रॉम इंडिया। दैट इज द रिकग्निशन ऑफ अवर इन ताजमहल इज द रिकग्निशन ऑफ अवर इंडिया। लाइकवाइज, एफिल टावर इज द रिकग्निशन ऑफ फ्रांस, ठीक है? एफिल टावर का निर्माण कहाँ हुआ था? वेयर इट स्टार्टर, एफिल टावर, वेयर इट हैज बीन बिल्ट। एफिल टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में शैम दे मास में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। इन 1887 शैम दे मास ऐसा एक प्लेस है, दैट इज द प्लेस नेम ऑफ द प्लेस, एंड दैट प्लेस इज नियर टू द सीन रिवर। सीन इज ऑल्सो द नेम ऑफ दैट रिवर, इन दैट रिवर शोर, दैट मीन्स शोर, इन दैट रिवर शोर इट इज सिचुएटेड, बिल्ट इन पेरिस, ओके? और एफिल टावर की रचना किसने की थी?
Who designed the Eiffel Tower? Eiffel Tower की रचना गुस्ताव एफिल ने की थी. His name was Gustav Eiffel. Gustav Eiffel is a person who designed the tower. Who designed the tower and had a plan to build it. Okay. Tower कितने मंजिलों का है? How many floors are there? Tower कितने फ्लोर का है? मंजिल means floor. हमारे स्कूल में कितने फ्लोर हैं? हमारे स्कूल में कितने मंजिल हैं? तीन, है ना? तीन मंजिल है. ओके, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर. नाउ इट इज बिल्ट, इजंट इट? और हमारे एफिल टावर में कितने मंजिल हैं? वहां पर भी तीन मंजिल हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर. उसका वर्णन कीजिए. राइट अबाउट दैट. टावर तीन मंजिलों का है. देयर आर थ्री मंजिल फ्लोर्स. पहली मंजिल में इन फर्स्ट फ्लोर दर्शकों के लिए, फॉर द विजिटर्स. द फर्स्ट फ्लोर इज बिल्ट फॉर द विजिटर्स सो दैट दे कैन व्यू द पेरिस सिटी थ्रू द बायनोक्युलर. दूसरी मंजिल में रेस्टोरेंट है. द सेकेंड फ्लोर देयर इज अ रेस्टोरेंट to have the lunch and many varieties of lunch would be available over there. Okay, then teesri manzil mein daftar. In the third floor there is a office of that tower people, those who are working and employed in the tower, and office for them it is situated in the third floor. Samajh mein aa raha hai bachcho? Aapko kya karna hai? Ye four question answers aapke note mein likh ke क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू एंड आंसर डाल के एक एक लकीर खींच लेना आफ्टर ईच आंसर. नीट हैंड राइटिंग एंड सबमिट इट इन द गूगल क्लासरूम. सबमिट इट इन योर क्लासरूम. ओके, और देखिए अब हम आ गए हैं उत्तराखंड. उत्तराखंड हमारा सिक्स लेसन है. ठीक है, उत्तराखंड आप जानते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द स्टेट इन अवर इंडिया. दिस इज वन ऑफ द स्टेट इन अवर इंडिया. देखिये कहाँ पर है, देखिये मैं बताती हूँ आपको. ये रहा, यहाँ पर है उत्तराखंड. इट वॉज नॉट अ सेपरेट स्टेट बिफोर, नाउ ओनली इट हैज बिकम अ स्टेट इन सेपरेट स्टेट इन इंडिया. लाइक तेलंगाना, नाउ वी हैव, आप जानते हैं अभी हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग स्टेट हो गया है ना. लाइक वाइज Uttarakhand was not a separate state before. Now, later only it has become a separate state. We will learn that. Okay. So यहाँ पर है उत्तराखंड. उत्तराखंड के ऊपर है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश. ठीक है, और देखिये ये है मैप हमारा. उत्तराखंड चक्राता, ये उत्तराखंड में जो प्लेस है वो है. पुराणों के अनुसार उत्तराखंड को देवभूमि व तपोभूमि माना गया था. पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था और वह उत्तर भारत का राज्य था. सो इन द एंशियंट पीरियड, इन द एंशियंट टाइम, उत्तराखंड को देवभूमि, दिस इज सेड टू बी एज अ देवभूमि. देव मीन्स गॉड, द गॉड लिविंग भूमि, देवभूमि, डिवाइन भूमि, व तपोभूमि. तप मीन्स मेडिटेशन, द प्लेस वेर वी कैन डू द प्लेस वेर द पीपल डू द मेडिटेशन. सो होली प्लेस, इट्स अ होली प्लेस और द डिवाइन प्लेस. दिस उत्तराखंड इज सेड टू बी एज अ देवभूमि एंड तपोभूमि बिफोर. ओके, दिस प्लेस बिफोर उत्तराखंड नेम, इट्स नेम वॉज द उत्तरांचल. Its name was the Uttaranchal. Okay, पुरानो पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल. उत्तराखंड का पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल. और उत्तरांचल को, उत्तराखंड को और क्या क्या कहते हैं? देवभूमि कहते हैं और तपोभूमि कहते हैं. ठीक है, देवभूमि और तपोभूमि कहते हैं. उत्तराखंड का दो नाम क्या क्या थे? देवभूमि और तपोभूमि. उत्तराखंड का पहला नाम क्या था? पहले उत्तराखंड को कैसे माना जाता था? उत्तरांचल. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? और नेक्स्ट देखते हैं. चलिए,
कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात 9 नवंबर 2000 को भारत में 27वें राज्य बना। इस दिन को उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लाइक तेलंगाना आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल दे हैव गॉट अ सेपरेट स्टेट, इजंट इट? लाइकवाइज they also had a lot of problems and they faced a lot of problems to make it as a separate state. And after that on 9 November 2004 Bharat mein in India it has become as a 27th state. It has become as a 27th state in India. Okay, is din ko, during this day, that is on 9th November हर साल 9 नवंबर, हर साल 9 नवंबर को ये लोग, वहां के लोग इसे स्थापना दिवस के रूप से मनाते हैं। दे सेलिब्रेट दैट डे एज अ स्थापना दिवस। स्थापना, स्थापना का मतलब है अकर्ड, स्थापना का मतलब है अकर्ड। नाउ दे हैव गॉट द सेपरेट स्टेट, दे अकर्ड अ सेपरेट स्टेट फॉर दैट उत्तराखंड, नो? So that's why they celebrate that day as a Uttarakhand. So very beautiful place, so beautiful place like Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, north side में maximum सारा place बहुत beautiful होते हैं। देखिए ये भी एक place है उत्तराखंड का। So इसे हम मनाते हैं स्थापना दिवस के रूप में, वहां मनाया जाता था, ठीक है? और ये lesson पूरा उत्तराखंड का details है, okay? Detail is given in this lesson about the Uttarakhand. See, उत्तरांचल सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फ्रॉम द 2000 टू 2006 इट हैज बीन कॉल्ड एज अ उत्तरांचल, इट हैज बीन नेम्ड एज अ उत्तरांचल। लेकिन बट, लेकिन का मतलब है बट, लेकिन बट 1 जनवरी, पहली जनवरी से 2007 में इस राज्य का नाम उत्तराखंड रखा गया। On 1st January 2007 में this उत्तरांचल has been name changed as a उत्तराखंड। The name of this उत्तरांचल has been changed as a उत्तराखंड, ठीक है? और उत्तराखंड का places बहुत सुंदर है। देखिए कितने बड़े बड़े पर्वत हैं यहाँ पर, पानी, नदी, gardens, so beautiful. अभ्यास आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तैयार हो जाइए। उत्तराखंड को किन किन नामों से जाना जाता है? What and all names is given to this उत्तराखंड? 1 and 2 I said, divine place, holy place, है ना? Very good. तपोभूमि और देवभूमि के नाम से इन्हें जाना जाता है। बहुत अच्छा। देवभूमि और तपोभूमि। उत्तराखंड भारत का राज्य कब बना? When it has become a state in India, separate state in India. कब? याद है आपको? 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड भारत का राज्य बना। उत्तराखंड का नाम पहले क्या था? उत्तराखंड का नाम, when its name, before the उत्तराखंड name, what name has been, it has been called? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्तरांचल, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ठीक है? और ये आपका अभ्यास हो गया। और देखिए, उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी है। सो क्या देख रहे हैं हम मैप में? यहाँ उत्तराखंड है। क्या कह रहे हैं? उत्तर में तिब्बत। उत्तर कहाँ पर है? उत्तर मीन्स नॉर्थ, उत्तर मीन्स नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है? तिब्बत। एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैं उत्तराखंड, और यहाँ ये है तिब्बत की सीमा। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है?